आज हम बैंकों के महत्व के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ ये जानेंगे कि आर्थिक विकास में बैंक का क्या योगदान रहता है। बैंक के कार्यों को यदि विस्तृत रूप से विश्लेषण किया जाए तो शायद बैंक के महत्व को आसानी से समझा जा सकता है। समाज का शायद ही कोई ऐसा वर्ग होगा जिसे बैंक की आवश्यकता न हो। अर्थव्यवस्था के सभी पहलू जैसे कि उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व, इन सभी क्षेत्रों में बैंकों की अपनी उपयोगिता है और आधुनिक युग में बैंकों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सेन ने बैंकों के महत्व को प्रकट करते हुए उन्हें आधुनिक चलन व्यवस्था का केंद्र बिंदु कहा है। बैंकों के महत्व को जानने के लिए बैंकों के कुछ बिंदुओं से इसके महत्व को आसानी से समझा जा सकता है। तो पहला जो मैं बिंदु लेना चाहूँगी वो है बचत को बढ़ावा। बैंकिंग व्यवस्था ने आम जनता की छोटी छोटी बचतों को संग्रहित करके एक विशाल कोष की व्यवस्था की है और देश में पूंजी का संग्रहण किया है और इस पूंजी के संग्रहण के कारण साख को, या हम कहें कि साख निर्माण के कार्य को आसान बनाया है। दूसरा जो महत्व का बिंदु है वह धन व बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा। तो बैंक अपने ग्राहकों के लिए धन का हस्तांतरण एवं लॉकर्स की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं जिससे ग्राहक या व्यक्ति अपने धन की चोरी या अन्य अव्यवस्थाओं से बचने के लिए बैंक में जमा करवाता है तथा धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित पहुंचाने के लिए बैंक का सहारा लेता है तथा व्यक्ति अपने बहुमूल्य वस्तुओं और अपने गहनों को सुरक्षित रखने के लॉकर्स का उपयोग करता है। तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। तीसरा पॉइंट है वित्तीय व्यवस्था। बैंक न केवल वित्तीय कोषों को एकत्रित करते हैं अपितु इन कोषों को ऋण देने के लिए, अग्रिम देने के लिए, नकद साख के लिए, अधिविकर्ष के लिए तथा विनिमय बिल की कटौती आदि के माध्यम से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय सहायता के रूप में निरंतर प्रभावित भी करते हैं। इस प्रकार बैंकिंग संस्थाएं न केवल आर्थिक विकास को एकत्र करने में सहायक होती हैं बल्कि वे इन साधनों का उपयोग उत्पादक क्षेत्रों में करके राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में भी योगदान करती हैं। अब अगर पॉइंट देखा जाए नेक्स्ट तो हम पूंजी के कोषों का एकीकरण भी बैंक के माध्यम से बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो बैंकिंग संस्थाएं अपनी सामान्य व्यवसायिक क्रियाओं के माध्यम से जनसाधारण की बचतों को बैंक में जमा के रूप में संग्रहित करके पूंजी कोषों का एकीकरण को संभव बनाती हैं। इस प्रकार से ये व्यक्तिगत एवं सामूहिक बचत को एकत्र करके पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय सहयोग प्रदान करती है। बैंकों के महत्व के बारे में देखा जाए तो बैंक का महत्व इसलिए है कि इसके कारण से औद्योगिक विकास भी संभव हो पाया है। तो बैंक द्वारा आर्थिक नियोजन के संदर्भ में उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है तथा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप इन उद्योगों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रकार ये संस्थाएँ नियोजित औद्योगिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्रिय सहयोग प्रदान करते हैं। अब मैं ये कहूँगी कि बैंकों के माध्यम से साख का सृजन आसानी से किया जा सकता है, व्यापारिक क्रियाओं का विस्तार कर सकते हैं। तो बैंकिंग संस्थाएं साख विस्तार की नीति न केवल मूल्य में स्थिरता या स्थायित्वता बनाए रखने में सहायक होती हैं बल्कि आर्थिक एवं व्यापारिक क्रियाओं के विस्तार पर भी व्यापक प्रभाव डालती है। साख की मात्रा अधिक या कम होने की स्थिति में व्यापारिक क्रियाओं में वृद्धि या कमी होती है
या हम कह सकते हैं कि व्यापारिक क्रियाओं के विस्तार में बैंकिंग संस्थाएं विशेष सहयोग प्रदान करती हैं। तो मैं इन बिंदुओं से बैंकों के महत्व के बारे में जान सकते हैं या कह सकते हैं कि आधुनिक अर्थव्यवस्था के संचालन में बैंकिंग संस्थाएं एक महत्वपूर्ण धुरी के रूप में कार्य करती हैं। बैंकिंग संस्थाएं जमाओं के रूप में धन को एकत्रित करके उन्हें उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में लगाते हैं और इससे विकास कार्य करती हैं। एक उन्नत बैंकिंग प्रणाली जो है आर्थिक विकास में सहयोग प्रदान करती है। हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट मैं लेना चाहूँगी यहाँ पर कि बैंक आर्थिक विकास में किस प्रकार योगदान करते हैं। तो बैंक देश बैंक वित्तीय व्यवस्था बैंक देश में वित्त की व्यवस्था के साथ साथ वित्त को दिशा वित्त की दिशा भी निर्धारित करते हैं। एक समुचित रूप से विकसित बैंकिंग व्यवस्था वाला देश आर्थिक विकास से बहुत संपन्न माना जाता है। समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए बैंक उपयोगी है। जमाकर्ता अपनी रकम को वहाँ पर सुरक्षित रख सकते हैं और ब्याज कमा सकते हैं और विनियोगकर्ता अपनी पूंजी का विनियोग करके लाभ कमा सकते हैं। आर्थिक विकास में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है और आर्थिक विकास में निम्न मुद्दों से जान सकते हैं कि किस तरह से योगदान बैंक करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट विकास वित्त की व्यवस्था करना। तो भारत हमें पता है कि भारत एक विकासशील देश है। तो भारत जैसे विकासशील देशों में विकास के लिए धन और पूंजी की कमी रहती है। तो प्रचलित स्रोतों से प्राप्त आय से हम काम नहीं चला पाते। तब सरकार केंद्रीय बैंक से उधार लेती है और साथ ही साथ अन्य बैंकों से भी उधार लेती है। परंतु इस व्यवस्था से भी जब काम नहीं चलता है तो इनाट प्रबंधन का सहारा लेके अतिरिक्त नोटों का निर्गमन करके इस घाटे को पूरा किया जाता है। सरकार अतिरिक्त विकास सोपान जैसे कि कृषि उद्योग और व्यापार के लिए संस्थागत ऋणों के माध्यम से भी वित्त की व्यवस्था करती है। तो इस प्रकार बैंक अपने वित्त की व्यवस्था बैंक के माध्यम से करती है। दूसरा पॉइंट कि पूंजी निर्माण में बैंक की अति महत्वपूर्ण भूमिका है या आर्थिक विकास में बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो भारत जैसे विकासशील देश में पूंजी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बैंक तीन प्रकार से पूंजी निर्माण में योगदान करते हैं। सबसे पहला तो वास्तविक बचतों को प्रोत्साहन देकर, दूसरा बचतों को एकत्रित करके विकास कार्य की ओर मोड़ के और बचत को लाभप्रद विनियोग में लगाकर हम पूंजी निर्माण कर सकते हैं। बैंक की कार्यकुशलता एवं सेवाओं पर निर्भर करता है कि लोग अधिक से अधिक बचत जमा करवाएं और इन बचत को उत्पादन कार्यों में लगाकर या लाभप्रद विनियोग में लगाकर पूंजी निर्माण में सहायता की जाए। और इसका नेक्स्ट पॉइंट जो हम चाहेंगे वो बताना चाहूँगी कि देश की समस्याओं के समाधान में योगदान बैंक करते हैं। विकास हम भारत जैसे विकासशील देश में गरीबी, बेरोजगारी तथा धन अभाव जैसी ज्वलंत समस्याएं प्राय हमें देखने को मिलती हैं। इस समस्या के समाधान के लिए बैंक की उधार नीति बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बैंक से ऋण उपलब्ध करवाते हैं। शिक्षित बेरोजगारों के लिए उदार शर्तों पर स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध करवाते हैं बैंक और राष्ट्र इन ऋणों के माध्यम से लोग इन ऋणों के माध्यम से लाभ उठा सकते हैं। फिर कृषि साख की व्यवस्था भी बैंक करते हैं।
भारत, हम सभी को पता है कि भारत की लगभग 70% जनता जो है कृषि कार्यों में लगी हुई है, और कृषि प्रधान देश भारत एक माना जाता है। तो कृषि प्रधान देश में कृषि साख के लिए अरबों रुपए की व्यवस्था बैंक करते हैं। ग्रामीण एवं कृषि विकास के लिए विशेष बैंक संस्थाओं की स्थापना हमारे यहाँ की गई है। आप सभी नाबार्ड का नाम जानते होंगे, जिसे कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक, सहकारी बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंक का कृषि साख काउंटर तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कृषि साख विभाग देश के कृषि विकास के लिए साख की पर्याप्त व्यवस्था करते हैं। और आज बैंकों के माध्यम से कई हजारों करोड़ के ऋण और अनुदान हमारे किसानों को दिए जाते हैं। साथ ही साथ इसके साथ साख का निर्माण भी बैंकों के माध्यम से आर्थिक विकास में बड़ा योगदान करता है। तो विकास के लिए बहुत अत्यधिक धन की आवश्यकता हमें पड़ती है, और साथ ही गरीब जनता होने के कारण इसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। तो बैंक छोटी छोटी बचतों के माध्यम से जमाएँ प्राप्त करती है और उससे कई गुना अधिक धन राशि देने में सक्षम होती है, जिसे साख निर्माण कहते हैं। साख निर्माण से विकास वित्त के रूप में अधिक धन उधार प्राप्त होता है। बैंक साख निर्माण करके लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और उपभोक्ताओं को साख उपलब्ध करवाते हैं, जिससे अतिरिक्त उत्पादन की मांग बनी रहने से उत्पादकों को प्रोत्साहन प्राप्त होता है और निवेश की गतिविधियां हमारे देश में बढ़ती हैं। इस प्रकार साख निर्माण के योगदान से बैंकों के माध्यम से साख निर्माण से आर्थिक विकास आसानी से किया जा सकता है। अब साथ ही साथ अन्य विकास के कार्यों में भी बैंक जो है महत्वपूर्ण आर्थिक विकास में बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बैंक आजकल करोड़ों रुपए कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करते हैं, जैसे कि विकलांगों की सहायता के लिए, असहायों की सहायता के लिए और पिछड़े वर्ग की सहायता के लिए, और साथ ही साथ विशेष आपदाओं में बैंक आर्थिक विकास या सहयोग प्रदान करते हैं और सस्ती ब्याज दरों पर गरीबों को ऋण देते हैं। आजकल बैंक आवास की समस्याओं के समाधान के लिए होम लोन की सुविधा भी उपलब्ध करवाते हैं, और भारत सरकार ने भारतीय आवास विकास बैंक की स्थापना भी इसके लिए की है। तो आर्थिक विकास में बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बैंक का महत्वपूर्ण भूमिका है, और आर्थिक विकास बैंकिंग प्रणाली के सहयोग के बिना कठिन है, और आर्थिक जीवन में कदम कदम पर बैंकों की रचनात्मक एवं सक्रिय भूमिका रही है और आगे भी रहेगी।